आई कंसिडर माई सेल्फ लक्की समटाइम्स यू नो कि लता दीदी आज मैं बहुत कुछ आपको शेयर करने जा रहा हूँ लता दीदी के साथ जितने मुझे गाने को सौभाग्य जितने गाने मुझे मिले हैं उनके साथ गाने के लिए उतना ही स्टेज शो करने का भी मुझे मौका मिला हाँ पहला शो उनके साथ मेरा था नेताजी स्टेडियम कलकत्ता फिर बाटा नगर कलकत्ता फिर महाराष्ट्र में पुणे में उन्होंने शो किया था चैरिटी शो अपने हॉस्पिटल के लिए तो मैं लकी समझता हूँ अपने आप को उन्होंने मुझे भी उसमें शामिल किया और फिर यहाँ पे शिवसेना का शो था उसमें भी लता जी ने मुझे बोला कि लता जी ने कही मुझसे कि इस शो में भी आपको आना है तो मैं गया और एक शो था बेंगलुरु में और उस शो में फर्स्ट दिसंबर का दिन था वो और फर्स्ट दिसंबर यानी कि मेरा जन्मदिन था उस दिन तो किसी ने लता जी से कह दिया होगा कि आज उदित नारायण का बर्थडे है क्या देखिए हरीश भेमानी जी आ, थे एज ए अनाउंसर हरीश मेमानी जी थे तो उन्होंने दो तीन लाख लोग थे स्टेडियम में और उन्होंने सोने की चेन भेंट की मुझे हाँ गिफ्ट किया मुझे उन्होंने और हरीश भिमानी जी से कहा कि मेरे तरफ से एक टाइटल दो इसको प्रिंस ऑफ प्लेबैक सिंगिंग <laughs> बहुत ही बढ़िया मतलब वो आप उनकी तरफ से दिया हुआ कॉम्प्लीमेंट भी आशीर्वाद है जी 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 इसलिए मैं मैं दिल तो पागल है क्यों कह रही हूं क्योंकि उसमें हर एक गाना जो है जी. और खासकर डुएट जी और हर एक गाने में भाव अलग बदल जाता था बिल्कुल कहीं पर संजीदा भाव है तो कहीं पर अरे रे अरे ये क्या हुआ? क्या हुआ ये क्या कहूं मतलब मुझे अभी तक याद है अभी यहां तो दीदी की बात हो रही है लेकिन मैंने सुना कि यश चोपड़ा साहब दीदी को गाना सुनाते थे कि दीदी ये गाना कैसा लगा आपको बोले बहुत अच्छा लगा तो दीदी पूछते थे उनसे किससे गवा रहे हैं मेल सिंगर में बोले आप बताइए तो मैंने सुना है अपने कानों से नहीं सुना और लोग बताए मुझे वो बोली कि ये उदित से गवाइए ये गाना <laughs>